हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाही फैमिली में आपका स्वागत है। और आप जैसे कि सभी जानते हैं रमज़ान आ रहा है, तो मुझे अभी सारी तैयारियां करनी हैं। हार्डली कुछ 4 या 5 डेज रह गए हैं, तो उससे पहले ही मैं सारी क्लीनिंग वगैरह जो है वो कर लेती हूँ। तो शुरुआत मैंने कर दी है, तो अपने रूम से मैंने शुरुआत की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रूम काफ़ी बिखरा पड़ा है, तो मैं अभी इसको क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। बच्चों ने जो है वो ऑलरेडी अपना रूम क्लीन कर लिया है, तो मैं बस सबको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो बच्चों ने अपना रूम क्लीन कर लिया है, अभी मेरी बारी है, तो मैं अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं और भी कई सारी तैयारियाँ मैंने रमज़ान के लिए कर रखी है, तो मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। डस्टिंग और मॉपिंग हो चुका है, तो ये है फाइनल लुक अभी मेरे रूम का। आप देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने मनी प्लांट इस बॉटल में लगा दिया था, तो वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो इसी में मैंने कुछ फ्लावर्स लगा दिए हैं। जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, तो मुझे वहाँ पे ये फ्लावर्स बड़े अच्छे लगे थे, तो मैं लेकर आई थी, तो बस इसमें रख दिया है। और सारी चीज़ें जो बिखरी पड़ी थी, बस उसको ऑर्गेनाइज़र में मैंने अरेंज कर दिया है। तो ये है फाइनल लुक। पूरे घर की सफाई एट अ टाइम पॉसिबल नहीं है, तो बस यहाँ पर मैं एक एक रूम करके ही कंप्लीट करूँगी। तो बच्चे जो है वो अपना रूम कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है और मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया है। और हॉल और किचन जो है उसको मैं बारी बारी से कर लूँगी। क्लीनिंग अब ऑलमोस्ट डन है, अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो मैंने रमज़ान के लिए कुछ प्रिपरेशंस की है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी रमज़ान में कई सारे डिशेस बनाने होते हैं, जिसके लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ चीज़ें अगर आपके पास हैंडी हो, तो वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। तो बस यही सोचकर कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी कर दी है। गुड, वेरी गुड। प्रिपरेशन में मैंने काजू की पेस्ट, कोकोनट पेस्ट और पीनट पाउडर और मल्टीपर्पज़ करी, कई सारी डिशेस के लिए जो यूज़ हो जाएगा, वो मैंने प्रिपरेशन कर दी है। तो यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है, एट अ टाइम मैंने 2 तवे रख दिए हैं, ताकि मेरा काम जो है वो फटाफट हो जाए और मुझे बाकी सारी कई तैयारियाँ करनी हैं, तो उसके लिए भी मुझे टाइम मिले। तो एक तवे में मैंने डाल दिया है नारियल का पाउडर और दूसरे तवे में मैंने सिंगदानी डाल दिए हैं और दोनों को ही कम आंच पर इसको अच्छे से भून लिया है। कोकोनट पाउडर जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक जो उसको मैंने भून लिया है। तो यहाँ पर मेरा सिंगदाना जो है वो भी भून चुका है, अब इसको मैं कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी और फिर उसके बाद उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो जब तक कि वो ठंडा होता रहेगा, यहाँ मैं बाकी सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। करीब यहाँ पर मैंने 2 किलो प्याज लिए हैं और उनको मैं स्लाइस कर लेती हूँ। अयान और रयान दोनों ही मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो उनका ऐसे चलता रहता है, वो लड़ते भी हैं आपस में, मस्ती करते रहते हैं और डांट भी खाते हैं और फाइनली फिर हेल्प भी कर देते हैं।
सिंगदाने जो भून चुके थे उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है तवे पर करीब 1 किलो प्याज, उसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ, जिसमें मैंने ऐड किया है करीब 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच नमक। और साथ ही साथ यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है काफ़ी सारा ऑयल ताकि मैं कुछ ऑनियंस को फ्राई कर सकूँ। तो यहाँ सिंगदाने जो है वो ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं उनको ग्राइंड कर लेती हूँ। हाफ पोर्शन जो है वो मैं पाउडर बना लूँगी और हाफ पोर्शन जो है वो मैं अच्छे से फाइनली पीस कर उसका पेस्ट बना लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये जो पीनट पेस्ट है आप सैंडविचेस वगैरह में यूज़ कर सकते हो, या कोई भी करी अगर आपको बनानी हो तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो उसमें मैं ऐड करती हूँ करीब 1 किलो टमाटर और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ऐड किए हैं करीब 4 लौंग, 4 काली मिर्च और 4 दालचीनी के टुकड़े, और उसको भी मैं उसमें ऐड करके अच्छे से भून लेती हूँ जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर प्याज जो है वो मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है, तो बस मैं चेक कर रही हूँ। जो कुछ भी मुझे भूनना था या फ्राई करना था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अभी एक एक करके जो है वो मैं सभी को पीस लेती हूँ और उसको मैं स्टोर करके रख दूँगी। तो ये है कोकोनट पेस्ट, इसको मैं मोस्टली नॉनवेज करीज में यूज़ करूँगी, जब कभी मुझे चिकन करी बनाना हो या मटन करी बनाना हो। करीब 2 कप काजू मैंने गुनगुने पानी में भिगो लिया था ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो काजू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं सारा पानी जो है वो ड्रेन कर लेती हूँ और फिर उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। प्याज जो है वो अच्छे से भून चुकी है, तो गोल्डन कलर आ गया है इसमें, तो अभी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, तो सारा ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाएगा और फिर मैं उसको पेपर से जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उसका निकाल लूँगी। तो ये देखिए काजू जो मैंने पीस लिया था उसका पेस्ट मैंने एक कंटेनर में फिलअप कर दिया है, और उसी कंटेनर में जो है मैं अभी प्याज और टमाटर का जो मसाला मैंने भून लिया था मैं उसी को पीस लेती हूँ ताकि ये काजू का पेस्ट जो है वो वेस्ट ना जाए। तो मैं उसी में उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो प्याज टमाटर का मसाला मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, फाइन पेस्ट बना लिया है। अब उसको मैंने कढ़ाई में थोड़े से ऑयल में डालकर अच्छे से पका लूँगी दोबारा से। तो जिस ऑयल में मैंने ऑनियंस फ्राई कर लिए थे उसी ऑयल में मैं इस मसाले को पकाऊँगी। करीब 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर दी है और कोई मसाले एडेड नहीं है, बस इसको ऐसे ही मैं ऑयल रिलीज होने तक के पका लूँगी। इसको ढक दिया है करीब 2 से 3 मिनट तक, उसको मैं ढककर पका लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑनियंस जो मैंने फ्राई कर लिए थे वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अभी फ्राइड ऑनियंस का एक्सेस ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर या कोई भी प्लेन पेपर लेकर आप निकाल लें। तो आप देख सकते हैं ये ऑनियंस बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे, तो आप इसको ऐसे स्टोर कर सकते हो। प्याज टमाटर का मसाला जो है वो भी अच्छे से कुक हो चुका है, तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तो मैं इसको स्टोर कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑनियंस जो मैंने फ्राई कर लिया था उसको मैंने स्टोर कर दिया है जार में। ये कोकोनट पेस्ट है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये पीनट पेस्ट है जो कि सैंडविचेस में या करीज में यूज़ होगा मुझे। तो ये करी पेस्ट है जो कि मुझे मल्टीपर्पज़ करीज में यूज़ हो जाएगा, वेजिटेबल करी, मिक्स वेजिटेबल करी, पोटैटो करी या एग करी बनाना हो, या कभी नॉनवेज बनाना हो तो तभी मुझे ये यूज़ हो जाएगा। तो ये जो है वो काजू पेस्ट है, इसको भी मैं करीज में यूज़ करूँगी या कोई स्वीट डिश बनाना हो तो तब यूज़ करूँगी उसको। इसके अलावा भी मैंने कई सारी प्रिपरेशंस की है जो कि मेरे अगली वीडियो में आप देखोगे, तो वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना न भूलें। मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। बाय बाय।